leads to question number 34 of exercise 5C, that is arithmetic progression. Question number 34 is, first part keh raha hai, an AP 5, 12, 19... has 50 terms. Is AP mein 50 terms hai. Find its last term. Hence, find the sum of its last 15 terms. हमें इसकी last term बतानी है और उसकी last से 15 terms का sum बताना है. तो कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले हम अपनी AP लिख लेते हैं. AP दे रखी है, first part की AP दे रखी है 5, 12, 19 and so on. और इसमें 50 terms है, right? तो हमारी 50th term क्या होगी? सबसे पहले हम ये वो निकाल लेंगे. तो कैसे निकालेंगे? A हमें पता है, हमारा nth value कितना होता था, that is A plus N minus 1 into D होता था. अब हमें term 50 निकालनी है. तो A क्या हुआ हमारा? 5 plus N क्या हुआ? 50 minus 1. और D क्या हुआ? D हमारा हुआ 12 में से हमने 5 माइनस किया, दैट इज 7. प्रीसीडिंग टर्म माइनस कर दी तो ये कितना आ गया? 5 plus 49 into 7, तो ये आ गया 5 plus 7 9s are 63, 6 कैरी, 7 4s are 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. तो ये आ गया हमारा 348. हमारी टर्म 50 आ गई, लास्ट टर्म 50th टर्म आ गई हमारी 348. अब वो कह रहा है क्वेश्चन में, अगर आप देखेंगे कि हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स. हमें लास्ट टर्म पता चल गई लेकिन लास्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? सम ऑफ 50 टर्म्स निकालेंगे पहले. तो उसके लिए हमारा सम ऑफ nth टर्म क्या होता था? n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. अब हमें s 50 निकालना है. तो ये कितना आया? 50, n हमारा 50 हुआ upon 2, 2 into a हमारा हुआ 5 plus 50 minus 1 into d, d हुआ हमारा 7. देखिए पूरे AP में A और D सेम रहते हैं, ये हमें पता है. अब हमें लास्ट 50 टर्म्स का सम निकाला तो हमें ऑटोमेटिकली N हमें पता चल गया 50 है, राइट? तो अब ये कितना आ गया? 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10. तो 25 into 5 2s are 10 plus 49 into 7. तो ये आ गया हमारा 25 into 10 plus 343. अभी ऊपर करके चुके हैं तो ये आ गया हमारा S50 25 into 353. तो ये कितना आ गया? देखिए 353 को हमने 25 से मल्टीप्लाई किया. 5 3s are 15 5 5s are 25 26 5 3s are 15 16 17. 2 3s are 6, 2 5s are 10, carry 1, 2 3s are 6 and 7. तो ये कितना आ गया? 5, 12, 8 and 8. तो ये आ गया 8, 8, 2, 5 आ गया first 50 terms का. अब वो कह रहा है पीछे से 15 terms का sum निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? अगर हम last से sum of 15 terms, हम sum of total 50 terms थी, पूरी सम का 50 टर्म्स में से हम अगर सम ऑफ 35 टर्म्स, फर्स्ट 35 टर्म्स माइनस करते हैं तो लास्ट की हम से हमें हमारी S 15 आ जाएगी, राइट? तो हमारा S 50 तो पता चल गया, S 35 और निकाल देंगे. तो 35 क्या आया? 35 अपॉन 2 इनटू 2a, a था हमारा 5 प्लस n minus 1, that is 35 minus 1 into 7, d था हमारा 7. तो ये आ गया 35 upon 2 into 5 2s are 10 plus 34 into 7. तो ये आ गया 35 upon 2 into 10 plus 7 4s are 28 to carry, 7 3s are 21, 22, 23. तो ये आ गया 35 upon 2 into 248.
2 ones are 2, 2 ones are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8. ये आ गया 35 into 124. तो कितना आया मल्टीप्लाई करके, देखिए 124 को 35 से हमने मल्टीप्लाई किया. 5 4s are 20, 5 2s are 10, 11 12, कैरी 1. 5 1s are 5 and 6. 3 4s are 12, 3 2s are 6 and 7, 3 1s are 3. तो ये आ गया हमारा 0 4 13 and 4 3 4 0, राइट. तो अब हमारा सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स का सम कितना आएगा. हमने सम ऑफ टोटल 50 टर्म्स फ्रॉम दी स्टार्टिंग से लेके सम ऑफ 35 टर्म्स माइनस कर दी तो हमारा आ जाएगा. तो 50 टर्म्स कितना हुआ हमारा, दैट इज यह आया था सम ऑफ 50 टर्म्स 8825. और उसमें से हमने फर्स्ट 35 टर्म्स का माइनस कर दिया तो वो आया 3 4 0 4 3 4 0. माइनस करके कितना आया 5. 12 में से 4 गया 8, 7 में से 3 गया 4 एंड 8 में से 4 गया 4. तो 4 4 8 5 इज़ द आंसर. एक बार और बता रही हूँ कि हमें फर्स्ट 50 टर्म्स का सम निकाल लिया. अब हम अगर फर्स्ट 35 टर्म्स का सम निकाल लेंगे तो हमें लास्ट के 15 टर्म्स का सम पता चल जाएगा. ये उसी वे से हमने किया है. चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं. सेकेंड पार्ट में कह रहा है एन एपी 8, 10 एंड 12 हैज 60 टर्म्स. एक एपी है जो दे रखी है 8, 10 एंड 12, अप टू 60 टर्म्स दे रखी हैं. फाइंड इट्स लास्ट टर्म, हमें लास्ट टर्म निकालनी है. हैंस फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 10 टर्म्स, हमें सम निकालना है लास्ट 10 टर्म्स का. तो कैसे करेंगे देखिए, हमारा सेकेंड पार्ट में एपी क्या दे रखी है 8, 10 एंड 12 सो ऑन दे रखा है, लेकिन अप टू 60 टर्म्स. और हमें सम निकालना है 10 नंबर्स का लेकिन लास्ट से, राइट. तो कैसे निकालेंगे, अब हमें ये टर्म लास्ट नंबर बताना है और सम ऑफ लास्ट 10 नंबर्स का बताना है. तो लास्ट नंबर कैसे निकालेंगे, हमारी nth टर्म कैसे निकलती थी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी करके निकलती थी. तो a क्या हो गया 8, प्लस n कितना हो गया, हमें टर्म 60 निकालनी है. तो n कितना आ गया 60 माइनस 1. और d कैसे निकाला, 10 में से हमने 8 माइनस कर दिया दैट इज 2. तो ये कितना आ गया 8 प्लस 59 इंटू 2. तो ये आया 8 प्लस 2 9 is 18, 2 5 is 10 and 11. दैट इज 8 प्लस 8 is 16, 2 and 1. तो लास्ट टर्म हमारी आ गई 126. लास्ट 10 टर्म्स का निकालना है तो 60 में से 10 गया 50 टर्म्स. तो हम फर्स्ट 50 टर्म्स का सम निकाल देंगे और माइनस कर देंगे तो हमारी लास्ट 10 टर्म्स का सम आ जाएगा. तो उसके लिए हमारा nth वैल्यू का सम क्या होता था, n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता था. तो हमने सम 50 निकाला और सम 60 निकालेंगे, दोनों निकालेंगे. तो ये आया 50 अपॉन 2 इंटू 2, ए है 8 प्लस 50 माइनस 1 और डी था हमारा 2. तो ये कितना आ गया 2 ones are 2, 2 2s are 4 and 2 5s are 10, 25 into 8 2s are 16 plus 49 into 2. तो ये कितना आ गया 25 into 16 plus 49 2s is 2 9s are 18, 2 4s are 8 and 9. तो ये आ गया 25 into 8 plus 6 is 14, 10 and 11. तो ये आया 114 को 25 से मल्टीप्लाई किया. 5 4s are 20, 2 carry 5 1s are 5, 6 7 and 5 1s are 5. और ये आ गया 2 4s are 8, 2 1s are 2 and 2 1s are 2. तो ये आ गया 0 15 carry 1 8 and 2, 2 8 5 0. अब इसी तरीके से हम सम ऑफ फर्स्ट 60 डिजिट्स निकाल लेते हैं. तो ये कितना है n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी आप ए प्लस एल भी लिख सकते थे, तो एन आ गया हमारा 60 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू ए कितना है हमारा, ए था हमारा 8 प्लस 60 माइनस 1 और डी था हमारा 2, तो ये कितना आ गया 2 1 2, 2 3 6 एंड 0 30 इंटू 8 2 16 प्लस 59 इंटू 2, तो ये कितना आ गया 30 इंटू 16 प्लस 2 9 18 कैरी 1 2 5 10 एंड 11, तो ये आ गया 30 इंटू 8 प्लस 6 14 कैरी 1 3 एंड 1, तो ये आ गया 0 एज इट इज, 3 4 12 3 3 9 एंड 10 कैरी 1 3 1 3 4, ये आ गया। अब हम सम ऑफ लास्ट 10 नंबर्स का कैसे निकालेंगे, हम सम 60 फर्स्ट 60 नंबर्स के सम में से हम सम ऑफ 50 डिजिट्स का फर्स्ट 50 डिजिट्स का माइनस कर देंगे, तो सम ऑफ 60 डिजिट्स कितना है 4020 माइनस सम ऑफ फर्स्ट 50 डिजिट्स कितना है 2850, तो ये कितना आ गया 10, 0 में से 0 गया 0, 12 में से 5 गया 7, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, हमारा लास्ट की 10 डिजिट का सम 1170 आया आंसर।